Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 4th of February 2022, Friday. Motivation of the day is the big secret in life is that there is no secret. Whatever your goal is, you can get there if you are willing to work. आज के डिस्कशन में हम ये सारी न्यूज़ कवर करने वाले हैं जहाँ पर हम इंडिया की बेंचमार्क एंडाइसिस के ड्लाइन होने के बारे में डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम इट वी विल ऑल्सो डिस्कस द आरबीआई मूव अगेंस्ट द ऑथोराइज फॉर प्लेटफॉर्म In third news, we will discuss about the social sector and the attention budget has given for this financial year to social security sector. Apart from these three major news, we will discuss some other minor news that has related to reliance race in buying the video coins oil asset and directors may face the Tax recovery heat. Apart from it, we will also discuss the centrally sponsored scheme down by almost 50%. So let's start with article number one that is given on page number one of Business Standard Indices snap three day winning streak on week global queues. India's benchmark indices again decline on thursday snapping a three-day winning streak amid the weak global cues and what is the reason uh, behind this latest move अगर हम फैक्टर्स की बात करें अगर हम रीजंस की बात करें जनरली जो स्टॉक मार्केट होता है वो सेंटीमेंट्स पे काम करता है और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि सेंटिमेंट्स को डेवलप करते हैं या सेंटीमेंट्स को वीक करते हैं सो डाउन बीट अर्निंग्स बाय ग्लोबल टेक्नोलॉजी फॉर्म्स टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन अपार्ट फ्रॉम इट द प्रोस्पेक्ट ऑफ रेट हाइक बाई यू एस फेडरल all these three reasons, all these three are actually important reasons that prompted the investors to take their profit off. and because of that, there is a decline into india's benchmark indices as well. sensex ne 1.3% ka fall registered at the end of session. Jabki Nifty, ki baat kere, Nifty may be approximately 1.2% fall अप्र अप्रोक्सीमेटली थ्री सेवेंटी करोड़ के स्टॉक्स जो हैं वो डोमेस्टिक काउंटर ने सेल ऑफ़ किए हैं और अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड करोड़ का सेल ऑफ देखने को मिला है इन केस ऑफ एफ एंड वाई देर इज़ अ सेल ऑफ़ बिकॉज ऑफ़ ऑल दीज थ्री रीजन और रशिया और यूक्रेन के भी जिस तरह से टेंशन बढ़ रही है उसको लेकर के भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स है मार्केट में अपार्ट फ्राम जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है प्रोस्पेक्ट ऑफ रेट हाइक बाई यू एस फेडरल फॉर पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन अगर यू एस फेडरल पॉलिसी हाइक के लिए जाता है जैसा कि वो इंडिकेट कर रहा है तो होता क्या है अमेरिका जैसे कंट्रीज इन्वेस में इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा एंड दैट इज़ वाई इन्वेस्टर्स एक्चुअली पुल ऑफ देयर मनी फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट एंड दे इन्वेस्ट इन टू यू एस जिसकी वजह से हमें इमर्जिंग मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और उसी का इंपैक्ट हमें बेंचवारसिस में देखने को मिल रहा जहाँ पर 1.3 और 1.2 परसेंट का फॉल रिस्पेक्टिवली सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिला इन द प्रीवियस थ्री ट्रेडिंग सेशन एफ पी आईज हैड अप्लाई ब्रेक ऑन देयर सेलिंग विच कपल विद द बजट ऑप्टमिज़म और जिसकी वजह से सेंसेक्स ने अप्रॉक्सीमेटली फोर पॉइंट वन परसेंट का गेन रजिस्टर किया था तो सेंसेक्स में जिस तरह से हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हायर हायर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर को हायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, को एम्फोसाइज किया गया था उसको देख कर स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज़म देखने को मिला था कि जो इंडियन इकॉनमी वो स्ट्रांगली रिकवर करेगी कार्पोरेट्स अर्निंग जो है वो इंक्रीज करेगी क्योंकि स्टार्टअप्स का कारपोरेटिवस का के जो टैक्स लाइबिलिटीज़ थी वो भी रिड्यूस कर दी गई थी जिसकी वजह का जिसका इम्पैक्ट हमें सीधे सेंसेक्स में देखने को मिला था बट आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट द डाउन बीट अर्निंग्स बाई ग्लोबल टेक्नोलॉजी फॉर्म्स जिस तरह से उनकी अर्निंग्स आनी थी वो अर्निंग्स नहीं आई या वो अर्निंग्स रिपोर्ट नहीं हुई क्वार्टर थ्री की इसके अलावा रशिया यूक्रेन के बीच जिस तरह से टेंशन बढ़ रहा है तो वो भी उस रीजन में ऑयल के प्राइसेस को कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगा और लेट हाई प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ यू एस फेडरल तो बहुत टाइम से इन्वेस्टर्स के माइंड में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस देर इज़ अ some decline into the India's benchmark indices and this is the S&P benchmark indices that has also seen their uh, one of the lowest point and the key sensex players are the top gainers ki baat kare to ITC Maruti Suzuki and Titan were the top gainers HDFC Infosys and L&T were the top losers अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर सिक्स आरबीआई मे मूव माइटी अगेंस्ट ऑन अथोराइज फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स माइटी इसको हम बोल सकते हैं मीटी भी बोलते हैं स्टैंड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम मीटी भी बोलते हैं सो आर बी आई इज कंसिडरिंग अप्रोच टू टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस लिए आर बी आई इन दोनों अथॉरिटीज के पास जा रहा है फॉर बैनिंग द कंटेंट प्रमोटिंग द अनऑथोराइज फॉरन एक्सचेंज एंड डिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑन डिजिटल मीडिया तो बेसिकली आर बी आई ट्राई के पास और माइटी के पास इसलिए जा रहा है कि वो इन दोनों ही इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी से कह सकें कि जिस भी तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पर प्रमोट हो रहा है बेसिकली जो अनऑथोराइज फॉरेन एक्सचेंज को प्रमोट करता है इस इन तरह के कंटेंट पर रोक लगाई जाए और इसके लिए सेंट्रल बैंक जो है वो मिनिस्ट्री और रेगुलेटरी बॉडी दोनों से ही रिक्वेस्ट करेगा कि देश दे दे शुड इन्वोव सर्टन क्लॉज ऑन मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज़ सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक ट्विटर यूट्यूब गूगल बिंग फॉरवर्ड फॉर अलाउंग और डिसअलाउंग द एडवर्टीजमेंट कंटेंट दैट आर नॉट कम्प्लाइड विद द लोकल लॉज तो सीधे सीधे आर बी आई जाएगा और इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज से बोलेगा कि आप कुछ डायरेक्शन लाएँ कुछ नए क्लॉज लाएँ जिसके तहत ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको डिसअलाउ करें कि, कि किसी भी तरह का अनऑथोराइज कंटेंट अपने टारगेट ऑडियंस को ना डिस्प्ले करें और जो भी एडवर्टीजमेंट का कंटेंट डिस्प्ले हो दैट शुड बी कम्प्लाई विद द लोकल लॉ इज फॉर एक्सचेंज और रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको रेगुलेट करने के लिए आर बी आई इन रेगुलेटरी अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करेगा द प्रोमेंट एप स्टोर सच एस दो बिलोंगिंग टू गूगल एपल माइक्रोसॉफ्ट विल ऑल्सो बी आस्ट टू टेक डाउन द अनऑथोराइजिंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस तो ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन जो कि ऑथराइज नहीं है आर बी आई के थ्रू फॉर ट्रेडिंग इन टू फॉरन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स एट एनी फॉर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन सारे एप्लीकेशंस को भी आप, कहा गया है कि गूगल और एप्पल अपने प्ले स्टोर से या माइक्रोसॉफ्ट अपने प्ले स्टोर से हटा दें और इसका सीधा इम्पैक्ट हमें हमें का टिपिकल एग्जाम्पल जो हमें गूगल के ऐड में दिखता है अगर आपने कई बार गूगल के ऐड देखे होंगे तो वहाँ पर क्लियरली लिखा है वी एक्सपेक्ट ऑल द एडवर्टाइजर टू कंप्लाई विद द लोकल लॉज फॉर एनी एरिया देयर देयर देर टारगेट एडिशन टू द स्टैंडर्ड गूगल ऐट पॉलिसीज हालांकि इस बार जो आर ने कॉन्टैक्ट किया है इन रेगुलेटरी अथॉरिटी और इन्फोर्समेंट एजेंसी से दैट इज स्पेसिफिकली फॉर फॉरन अनऑथोराइज फॉरन एक्सचेंज एंड डेरेवेटिवस तो इन्वेस्टर्स के राइट को उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो लुक्रेटिव रिटर्न के चक्कर में इन अनऑथोराइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर लेते हैं दे फेस अवज लॉस और वो अपने आप को अननेसेसरी अनड्यू कंपटीशन से एक्सपोज करते हैं तो इसी पर्टिकुलर इशू को बेसिकली टारगेट करने के लिए एस ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग और ट्राई से रिक्वेस्ट करी है इसके अलावा मिनिस्टर से ये भी कहा गया कि अगर इस किसी भी तरह का अनऑथराइज पोर्टल भी है तो उसको भी ब्लैक लिस्ट या ब्लॉक कर दिया जाए जो किसी भी तरह के अनऑथराइज फॉरन एक्सचेंज में डील करता है और आर ने क्या है कि इसके लिए कितना भी सपोर्ट चाहिए होगा अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आप लॉन्च करना चाहते हैं आपके रिपीटेड uh, इंस्ट्रक्शन के बाद भी रिपीटेड डायरेक्शन के बाद भी अगर कोई एप्लीकेशन या कोई अनऑथराइज प्लेटफॉर्म चल रहा है तो इफ़ यू वॉन्ट एनी शॉर्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आर बी आई फॉर इन्वेस्टिगेशन RBI and the Department of Electronic will provide. a Department of Enforcement will provide any sort of support for uh, investigating into these issue. It will continue to caution through notice and awareness campaigns targeted against using these unauthorized platforms that offer forex trading. Apart from it, Reserve Bank of India has also mandated the banks forward to seek the prior approval. फॉर ऑफरिंग एनी फ़ॉरन करेंसी डिपॉजिट स्कीम टू दंज्यूमर टू दिपॉजिटर अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस रू तो बैंक्स को पहले आर बी आई से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो अपने प्लेटफॉर्म्स uh, uh, पर या किसी भी अपने डेस्क पर किसी भी तरह की फ़ॉर करेंसी डिपॉजिट स्कीम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर, कर रहे हैं कस्टमर को सेल कर रहे हैं अंडर द न्यू लिबरलाइज रेमिटेंस रू ई हैज एक्सप्रेस द एडवर्टीज बाटक् और इसी की वजह से अब बैंक्स को भी परमिशन लेनी पड़ेगी आर बी आई से अगर वो किसी भी तरह की फॉरन करेंसी डिपॉजिट स्कीम्स में डील कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एप्लीकेशन स्टोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या केवल अनऑथोराइज पोर्टल्स पर ही आर जो है वो चेक कर रहा है बैंक्स को भी डायरेक्ट किया गया है कि विदाउट द परमिशन विदाउट द प्रॉपर डिस्क्लोजर बैंक शुड नॉट ऑफर एनी शॉर्ट ऑफ फॉरन करेंसी डिपॉजिट स्कीम टू देयर कस्टमर्स आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर सेवन हाउ सोशल सेक्टर गेट्स शॉर्ट शिफ्ट इट इज बेसिकली एन ओपिनियन ये कोई न्यूज़ नहीं है ये ओपिनियन है जहां पर ये बताएगा कि, कि किस तरह से बजट में सोशल सेक्टर को इम्फोसाइज किया गया किस तरह से सोश सोशल सेक्टर ऐसे जहाँ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए था वहाँ पर से गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया है इन टू द बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री सो द गवर्नमेंट हैज़ सेट एम्बिशियस टारगेट फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ स्पेंडिंग बट द एलोकेशन बाई फाइनेंस मिनिस्ट्री इन दिस ईयर बजट डू नॉट कम क्लोज टू दिस टारगेट इसका मतलब इसका मतलब रहा, थुधेर 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 ये रहा थ्रू देयर स्पीचेस थ्रू देयर डायरेक्शन थ्रू देयर नेरेटिव्स गवर्नमेंट ये कंटिन्यूअसली प्रमोट कर रही थी कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट में गवर्नमेंट का जो फोकस रहेगा या जो लॉन्ग टर्म फोकस है गवर्नमेंट का वो एजुकेशन एंड हेल्थ है सोशल सेक्टर की बात करें तो, तो, तो सोशल सेक्टर में एजुकेशन हेल्थ सोशल सिक्योरिटी ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तो इसीलिए गवर्नमेंट कंटिन्यूसली अपने नैरेटिव्स में फोकस करती है गवर्नमेंट का जो आ, आ, फोकस है वो एजुकेशन बिल्डिंग पर है हेल्थ पर है जिससे कि नेशन लॉन्ग टर्म में प्रॉस्पैरिटी अटेन करे बट लेकिन अगर बजट एलोकेशन को देखा जाए तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट एलोकेशन में कहीं भी ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर के सेक्टर में जो भी गवर्नमेंट ने एलोकेशन किए हैं वो गवर्नमेंट के एम्बीशियस टारगेट्स या जो भी नैरेटिव्स हैं उनके कहीं भी आसपास नहीं है अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिलीज करी थी दो साल पहले आई होप मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी भी इसको हम बोलते हैं उसमें क्लियरली मैंशन था कि गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी का सिक्स परसेंट जीडीपी का सिक्स परसेंट एलोकेट करेगी किस लिए फॉर एजुकेशन कंबाइनिंग बोर्ड सेंटर एज वेल एज द स्टेट स्पेंडिंग बट अगर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट को देखा जाए तो एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस सेंटर्स एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ डी जी डी पी हेज डेक्लाइन सिंस फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी में बोल रही है गवर्नमेंट की छः परसेंट जी का हम एजुकेशन में स्पेंड करेंगे लेकिन अगर 2015 से हम देखें जब से गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट कर रही है करंट गवर्नमेंट स्पेशली बीजेपी लेट गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट कर रही तब से लेकर के आज तक बज एजुकेशन की फील्ड में जो एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है तो फिलहाल जो एजुकेशन पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के नरेटिव्स हैं उससे मैच नहीं कर रहा गवर्नमेंट का एक्शन स्पेशली इन केस ऑफ एजुकेशन सेक्टर और किसी भी इकोनॉमी के लिए किसी भी कंट्री के लिए हेल्थ एजुकेशन ऑल दीज आर द वेरी इम्पोर्टेंट पिलर फॉर प्रॉस्पेरस फ्यूचर इवेन दो द गवर्नमेंट हैज एलोकेटड एज मच एज वन ट्रिलियन फॉर एजुकेशन एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंडिंग इन 23 विल ओनली अमाउंट टू 0.4 परसेंट और जो 6 परसेंट का टारगेट अगर उससे कंपेयर किया जाए तो इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने केवल और केवल 0.4 परसेंट का एलोकेशन किया है एजुकेशन के सेक्टर में एंड एस्टिमेट्स आर इंडिकेटिंग दैट गवर्नमेंट हैड स्पेंड जीरो पॉइंट ऑफ जी इन केस ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग द सेंटर एज वेल एज द स्टेट शेयर्स और जबकि 2015 में अगर 2015 में देखा जाए तो जो एजुकेशन जो सेंटर का एजुकेशन एक्सपेंडिचर था वो जीरो पॉइंट फाइव फाइव परसेंट था सेंटर का केवल स्टेट्स के इसमें नहीं इंक्लूडेड थे सेंटर का एजुकेशन एक्सपेंडिचर वो जीरो पॉइंट फाइव फाइव परसेंट जो कि डिक्लाइन होते होते दो हज़ार में जीरो पॉइंट फोर थ्री आ गया और जीरो पॉइंट फोर फाइव आ गया जी के जीडीपी के जीरो पॉइंट फोर फाइव परसेंट के बराबर आ गए तो कंटिन्यूसली दो हज़ार पंद्रह से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एजुकेशन में जो एलोकेशन है गवर्नमेंट का वो डिग्रेड हो रहा है वो डिक्लाइन हो रहा है तो गवर्नमेंट के नैरेटिव से एम्बिशस टारगेट जो एजुकेशन और हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने सेट किए हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज़ उनसे कहीं भी एलोकेशन मैच नहीं कर रहा और पैंडामिक के ड्यूरेशन में ये एलोकेशन और ज़्यादा रिड्यूस हुआ है हालांकि जो हम डेक्लाइन देख रहे हैं जो हमने डेटा पढ़ा कि 0.55 से 0.38 तक आ गया है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर्स एजुकेशन एक्सपेंडिचर अगर स्टेट एजुकेशन स्टेट्स जो डिफरेंट स्टेट्स इंडिया में अगर उनके एजुकेशन एक्सपेंडिचर को देखें तो थैंकफुली उसमें डेक्लाइन देखने को नहीं मिला है 2014-15 में अगर हम देखें तो उसके कंपैरिजन में जो स्टेट्स का एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं भले ही मार्जिनली लेकिन वो इंक्रीज हुआ है टू पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ जीडीपी स्टेट्स का एजुकेशन एक्सपेंडिचर था इन फाइनेंशियल इू थाउजेंड फोर्टीन एंड फिफ्टीन और ट्वेंटी टू में ऐसा एंटिसपेट किया जा रहा है कि इट विल बी टू पॉइंट सेवन सेवन परसेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं है लेकिन यस देर इज़ नॉट अ डिक्रीज जस्ट लाइक सेंटर्स एजुकेशन स्पेंडिंग एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ सेंटर एजुकेशन स्पेंडिंग एज द प्रपोर्शन जी डी पी और कंटिन्यूअसली हम देख सकते हैं कि ये डिक्लाइन होता हुआ हमें दिख रहा है एज पर द डेटा ऑल दो द स्टेट शेयर इन एजुकेशन हैज बीन राइजिंग हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्न जो सेंटर है दैट इज एलोकेटिंग मोर टू स्टेट मोर स्टेट टू पार्टिसिपेट इन टू एजुकेशन एज पर देयर लोकल कंटेक्शुअल सेटिंग और धीरे धीरे सेंटर अपना जो पोर्शन है एजुकेशन में प्लांट एक्सपेंडिचर में वो रिड्यूस कर रहा है हालांकि ये डेटा को तो और ज़्यादा एनालाइज़ करने पर पता चलेगा कि एक्चुअली क्या सिनेरियो है वाई द एक्चुअल पोर्शन ऑफ सेंटर्स एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज डिक्रीजिंग ईयर बाई ईयर इसी तरह से हेल्थ का हेल्थ का अगर एक्सपेंडिचर देखें तो स्टेट्स

फॉलिंग एजुकेशन का शेयर अगर देखें ये तो मैंने ओवरऑल जीडीपी uh, के अकॉर्डिंग एजुकेशन में कितना खर्च हो रहा है डिस्कस किया अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो सेंटर कर रही है उसमें अगर एजुकेशन का शेयर देखें कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें एजुकेशन सेक्टर कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इट इज़ डिक्रीजिंग दिस ब्लू बार इंडिकेट्स द एक्सपेंडिचर और एजुकेशन शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज़ फॉलिंग सिंस फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ट्वेंटी से ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री में फॉल देखने को मिला हालांकि ट्वेंटी थ्री में थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल रहा है इसी तरह हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में मोरल सेम बना हुआ है एक्सपेंडिचर लेकिन फिर भी मार्जिनली डिक्रीज देखने को मिल रहा है हेल्थ का भी एलोकेशन सो एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज़ बीन लोअर देन द बजटेड एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाई बिजनेस स्टैंडर्ड तो फिलहाल इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि गवर्नमेंट जो कह रही है जो नरेशनस हैं जो डायरेक्टिव्स हैं जो टारगेट्स हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग सोशल सेक्टर में एलोकेशन नहीं किया है मोर स्पेसिफिकली एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर जो भी किसी भी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट पिलर होते हैं फॉर ग्रोथ अब देख लेते हैं समाधान रिलायंस इन रेस टू बाई वीडियो रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यूएशन इज नाउ प्लानिंग टू मेक अ बिट फॉर बाइंग द ऑयल असेट्स फ्रॉम कॉन आफ्टर द लेंडर कॉल्स फॉर फ्रेश बिट फॉर दम तो अब रिलायंस बिट डालने जा रही किसके लिए वीडियो कॉन्स के ऑयल असेट्स के लिए रिसेंटली वीडियो कॉन् ने दोबारा से मैं कह सकती हूँ फ्रेश बिड इनवाइट करी है अपने ऑयल असेट्स के लिए और एज पर द रीसेंट न्यूज आर आई एल इज़ एक्चुअली गोइंग टू पार्टिसिपेट इन टू दिस बिड एन इफ आर आई एल इन एक्वायरिंग दम इट विल बी एन बिग टिकट एक्विजिशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड 2016 तो IBC के तहत एक बहुत अच्छा बैंक का रिजोल्यूशन का एग्जांपल होगा एंड आफ्टर इट वन द रेस ऑफ अलोक अलोक इंडस्ट्रीज अ टेक्सटाइल फॉर्म एंड द रिलायंस कम्युनिकेशन टेलीकॉम टावर असेट्स इसके अलावा आर आई सिंटेक्स इंडस्ट्री के केस में भी एक फ्रंट रनर की तरह काम कर रहा है हालांकि आर बी की तरह से कोई कमेंट अभी वीडियोकॉन के ऑयल असेट्स के एक्विजिशन के बारे में नहीं आया है अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप डायरेक्टर्स में फेस टैक्स रिकवरी ही प्रपोजल इन द फाइनेंस बिल इज टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 179 ऑफ आईटी एक्ट तो 179 सेक्शन 179 को मॉडिफाई करने के लिए प्रपोजल गया है दैट इज एक्चुअली रिलेटिंग टू द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनीज तो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी टैक्स लाइबिलिटी को चेंज किया जा रहा है तो सेक्शन सेवेंटी नाइन में चेंज आने के लिए प्रपोजल गया है और एज पर द एक्सपर्ट इफ द प्रपोज चेंज इज इम्प्लीमेंटेड दिस विल ब्रिंग द मोर रिस्क और दिस विल एक्चुअली इंक्रीज द रिस्क फॉर डायरेक्टर्स ऑफ मीडियम and small size form in case of non-payment of any sort of income tax. While the language of provision is quite broad, the title of the section limits itself liability to the liability to the directors of private companies in case of liquidation. and this particular bill, bill enhance the to this proposed bill to align the title with the scope of the provisions. तो फ़िलहाल के लिए इसमें अगर टाइटल को देखा जाए तो टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन जो ओवरऑल कंक्लूजन है इस प्रपोज ड्राफ्ट का वो ये है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में भी जा रही है उस समय भी जो डिपार्टमेंट है वो किसी भी तरह का इनकम टैक्स जो नोटिस है वो उसके डायरेक्टर्स को भेज सकता है प्लेस इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स An amendment aims at mitigating any interpretation issue and litigation issue, and hereby making the director accountable or responsible for any sort of non-payment of tax dues. So, may especially impact the family-owned business SMEs or the directors of medium-sized or owners of medium-sized companies. तो अब बजट में जो नया प्रपोजल है उसके तहत सेक्शन 179 सेवेंटी नाइन ऑफ आई टी एक्ट विल अलाउ द रिकवरी फ्रॉम द डायरेक्टर अगर कंपनी किसी भी तरह की टैक्स लाइबिलिटी में फेल होती है इवन चाहे कंपनी लिक्विडेशन की प्रोसेस में ही क्यों ना जा रही हो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप वन थर्टी टू सेवेंटी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डाउन बाय ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट सेंटर हैज़ ऑलमोस्ट हाफ देयर नंबर ऑफ सोशली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में सी एस एस पी बोलते हैं आपने कई बार मेरे डिस्कशन में सुना होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर बताइए व्हाट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड व्हाट इज सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम अभी के लिए न्यूज़ में क्या है? ये देख लेते हैं सेंटर ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो थी 130 स्कीम जो अभी तक रन कर रही थी उनको रिड्यूस करके 70 कर दिया है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अप्रैल ट्वेंटी तो अप्रैल एक से बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो चल रही थी वो टर्मिनेट हो जाएंगी और इसके पीछे जो रीजन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो है कि दे हैव आउटलिव देर रेलिवेंस वाइल मर्जिंग दोस्ट विद द लो लो आउटले विद मोर इम्पैक्ट वन तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि बहुत सारी पुरानी स्कीम चल रही थी जिनकी आप कोई वैल्यू नहीं थी तो या तो गवर्नमेंट उन स्कीम्स को दूसरी स्कीम से मर्ज कर देगी बड़ी नई स्कीम्स जहां पर उनको ज़्यादा आउटले मिलेगा या फिर कुछ ऐसी स्कीम जो बिल्कुल ही इनरेलीवेंट हो गई विद द टाइम उनको टर्मिनेट किया जाएगा द स्कीम लॉन्च इन अप्रैल ट्वेंटी हैव बीन प्रन टू सिक्सटी फ्रॉम वन थर्टी तो अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी तक रिड्यूस किया जाएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को हा इसके अलावा सिक्सटी फाइव जो वन थर्टी चल रही थी पहले उसको रिड्यूस करके सिक्सटी फाइव लाया गया देन वाई द नंबर सेवेंटी इज गिवन क्योंकि पांच नई स्कीम और ऐड कर दी गई तो अब जो टोटल सीएसएस होंगी वो सेवेंटी होंगी एज पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन तो दिस इज वन ऑफ द रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज जो गवर्नमेंट कर रही थी कि ऐसी बहुत सारी स्कीम जो कि अब रेलेवेंट नहीं हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं जिनमें एलोकेशन नहीं हो रहा तो अब उनको रिप्लेस कर दिया गया है और थुरुल थुरुल थुरु 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 कुछ को टर्मिनेट कर दिया गया और कुछ नई स्कीम ऐड कर दी गई है। पांच नई स्कीम जो कि ऐड हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं आत्मनिर्भर भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम मत्स्य संपदा योजना स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर इस स्टेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्टार्स भी बोलते हैं एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो ये पांच स्कीम्स हैं जो इस बार ऐड होंगी और इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज गो थ्रू ऑल दीज फाइव स्कीम्स इन डिटेल मैं क्योंकि दिस कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर अपकमिंग एग्जाम वेदर यूर प्रिपेयरिंग फॉर पी सी और यूपीएससी और एनी शोर ऑफ बैंकिंग एग्जाम इसके अलावा अगर बात करें हम इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन नेशनल मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर नेशनल बैम्बू मिशन नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल फॉर्म्स ऑल दीज कॉल देम कृषोन्नति योजना तो ये जो इम्पोर्टेंट स्कीम थी इनको मर्ज कर दिया गया ए स्कीम में दैट इज कॉललेस कृषोन्नति योजना और यही रैशनलाइजेशन हमें अलग अलग सी एस एस या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी देखने को मिलेगा तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टोटल बजट और फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन में थ्री पॉइंट एट थ्री ट्रिलियन का था जो कि फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू में रिवाइज होकर के इंक्रीज होकर के फोर पॉइंट वन फाइव ट्रिलियन का हो गया है और इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में और ज़्यादा आलोकेशन किया गया है सी एस एस के लिए तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम and that is all for today students if you want lecture pdf you can join my telegram channel you can also follow me on other social media platforms if you have any query and suggestion you can write on comment section below please like share and subscribe thank you have a nice day